महंगाई की मार, उद्यमी कर रहा त्राहिमाम। रॉ मटेरियल्स के रेट छू रहे आसमान। दिवालिया और ब्लैक लिस्टेड होने का डर झेल रहा उद्यमी। कोरोना काल और लॉकडाउन ने उद्योग जगत की हालत बदतर कर दी है। रॉ मटेरियल्स के दाम मार्केट में आसमान छू रहे हैं। महंगाई अपनी चरम पर है, यहाँ तक कि रोज रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादों को कोई पूछ नहीं रहा। देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले उद्यमी आज दर्द से कराह रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर डेली इंसाइडर ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल से की खास बातचीत। अशोक अग्रवाल ने बताया कि रॉ मटेरियल्स महंगे होने के कारण लागत बढ़ रही है। हमने जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में तय किए थे उससे ज्यादा रेट पर माल बनकर तैयार हो रहा है। अब हम अगर उन्हीं रेट पर माल सप्लाई करते हैं तो हम दिवालिया हो जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिए जाएंगे। हर तरफ से परेशानियों ने उद्यमियों को घेरे रखा है। उन्होंने और क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना और लॉकडाउन की मार अभी तक उद्योग जगत झेल रहा है, और ऐसे में हमारे साथ IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी हैं। सर, कोरोना और लॉकडाउन की मार अभी भी उद्योग झेल रहा है, किन परेशानियों से जो लघु उद्योग है वो लड़ रहा है, और आगे क्या कुछ आप लोग इसके लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं जिससे जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो जाए? बहुत बड़ी समस्या जिस समय आ रही है कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि कंटेनर और जो हमारा फ्रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम हर सवेरे बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से रॉ मटेरियल जो हमारे को मिल रहा है, जो विदेश से आने वाला है चाहे यहाँ का लोकल वाला, जैसे कॉपर को ले लें 400 रुपये का 900 रुपये का रेट हो गया, स्टील को ले लीजिए 40 के बजाय 80 रुपये का रेट हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से तैयार माल की लागत बहुत बढ़ गई है, और तैयार माल की लागत बढ़ने की वजह से हम लोगों की समस्या सबसे बड़ी यह है, जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे, जो हमें माल सप्लाई करनी थी सरकार में या पब्लिक में, उसमें हम जितने का मैंने रेट दे रखा था उससे ड्यूटी रेट में तो हमारा माल तैयार होकर पड़ रहा है। तो अगर हम माल सप्लाई करते हैं तो दिवालिया होने की स्थिति में, नहीं करते हैं हम ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं और हमारा पुराना पेमेंट फंस रहा है। तो इस समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारे रेट को रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि पहले इस तरह की शर्तें रहा करती थी, अगर रेट बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए रेट रिवाइज हो जाया करते थे, अब वो शर्तें हटा दी गई हैं। और इसके अलावा भी सरकार के अलावा कुछ बड़े कॉरपोरेट लोगों ने अपना कार्टेल बना लिया है। लोहे के स्टील के रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए थे जैसे बढ़े हुए हैं। सरकार को इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ये MSME की इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरीके से इस समय प्रभावित हैं, और जिनका कि चलना और काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सर, एक लंबा तजुर्बा आपका रहा, अगर आपके तजुर्बे से देखा जाए तो क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन है या कोई और भी वजह हो सकती है? नहीं, कोरोना लॉकडाउन का बहाना है, ये तो एक मजबूरी थी, चलो जो कि आपदा थी, उसके आड़ में कुछ लोगों ने कार्टल भी बना लिए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों ने, कि सीमेंट हो चाहे लोहा हो चाहे स्टील हो चाहे तांबा है, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं, और इसकी सारी मार केवल हम लोगों को हो रही है। और ताज्जुब लगेगा, बड़ी कंपनियों के, बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों के प्रॉफिट 3 गुने 4 गुने हो गए हैं, और MSME दिवालिया होती जा रही है। सर, देखा जाए तो प्रधानमंत्री का एक सपना था, वोकल फॉर लोकल, एक मंत्र दिया था, उसके तहत जो UP गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं, और ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है, लेकिन बावजूद अगर देखा जाए उद्योगों की, तो उद्योगों की जो हालत है उसके बारे में आप बयान करें, तो सरकार को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि MSME बहुत ज़्यादा फायदे में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी से जी रहा है, मार्केट में डिमांड ना के बराबर है, कारण ये कि कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है स्टील के रेट बढ़ने की वजह से, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के जब रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, परचेजिंग पावर उतनी पब्लिक के पास नहीं है, तो इंडस्ट्रीज काफ़ी सफ़र कर रही हैं, और जो MSME की इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इस समय। सर, क्या विजन है अब किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे? अब लोग आपस में, हम लोग बैठ रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने खर्चे कम करें, कैसे काशा प्रोडक्शन कम करें, अपने प्रोडक्शन में हम लोगों ने काफ़ी कटल किए हैं ताकि बाज़ार में सरप्लस माल जाएगा तो वैसे रेट कम मिलेंगे, सब चीज़ों पर विचार हो रहा है। सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई MSME की तरफ ध्यान दें, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कम करने का प्रयास करें, इनके ऊपर देखें कि इनकी
जो कि आपके पोर्टल वगैरह पे भी, जो हमारे जेम पोर्टल है उसके ऊपर भी इन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना दी है। कोशिश करके बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को ही माल सप्लाई करने का मौका मिलता है, छोटे लोगों के लिए ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि वो ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए। सरकार को बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। सर, चुनाव आने वाला है, क्या इसका असर जो है वो उद्योग पर पड़ सकता है, कुछ ऐसा कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा एक साथ नहीं है, इस वजह से गवर्नमेंट हमारे तरफ ध्यान भी कम दे रही है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग MSME के लोग 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन सरकार का भी बहुत अच्छा ध्यान नहीं है, ना प्रदेश सरकार का ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये थे अशोक अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन MSME सेक्टर को अगर बढ़ाना है तो सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार MSME सेक्टर पर कितना ध्यान और दे पाती है, और MSME सेक्टर जो इस वक्त नीचे के दौर से गुजर रहा है वो ऊपर कब उठता है। प्रियंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।